अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतारने वाली अमरोहा की शबनम के मामले में एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। असल में शबनम के बेटे को गोद लेने वाले शख्स ने ये दावा किया है कि जब उन्होंने शबनम से पूछा कि तुम्हें जो सजा मिली है अखबारों और टीवी में जो दिखाया जा रहा है, क्या ये गुनाह तुमने किया है? इस पर शबनम ने कहा कि मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। और कोर्ट में भी वो सीबीआई की मांग करती रही, शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाना ये बहुत बड़ी बात है। या तो शबनम को मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जाए, शबनम बाहर आए और मीडिया से बात करे, या फिर इसकी जांच सही तरीके से की जाए। पश्चिम बंगाल के चुनावी घमासान के बीच सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के हाथ में बीजेपी के खिलाफ एक पुख्ता हथियार आ गया है। पुलिस ने बीजेपी की नेता पमेला गोस्वामी को कोकेन के साथ गिरफ्तार किया है। पमेला के साथ ही उनका एक दोस्त प्रवीण डे भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस के मुताबिक दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब पुलिस को सूचना मिली कि पमेला अपनी कार में ड्रग्स की एक बड़ी खेप लेकर जा रही है। इस इत्तला पर कोलकाता पुलिस ने पमेला की कार को अलीपुर इलाके से रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कार से 100 ग्राम कोकेन बरामद हुई थी। पुलिस के मुताबिक पमेला और उसके साथी लंबे वक्त से ड्रग तस्करी में शामिल थे। अब जांच में ये बात सामने आई है कि पमेला के पिता को इस बात की जानकारी थी कि उनकी बेटी ड्रग्स के चक्कर में फंस चुकी है। इस बात पर खुद पमेला के पिता ने कोलकाता पुलिस को पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी। ये शिकायती पत्र पमेला के पिता ने 8 अप्रैल 2020 को पुलिस मुख्यालय लाल बाजार के सीनियर अधिकारियों को सीलबंद लिफाफे में सौंपा था। इस बीच कोलकाता पुलिस की ओर से लगातार इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। कोलकाता पुलिस ने रविवार को एक ब्यूटी पार्लर में सर्च ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि ये ब्यूटी पार्लर पमेला गोस्वामी का ही है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में पुलिस पमेला गोस्वामी को साथ ले गई और उनकी मौजूदगी में ब्यूटी पार्लर को सर्च किया। मध्य प्रदेश के सतना से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक डेंटिस्ट ने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के मकसद से अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। ये युवती इस डेंटल सर्जन के यहां बतौर सर्जन काम करती थी और पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। हत्या के बाद युवती के शव को डेंटिस्ट ने अपनी क्लिनिक के बगल में खाली जमीन पर मजदूर से गड्ढा खुदवाकर दफना दिया। मृतक असिस्टेंट की मां ने 1 फरवरी को अपनी 23 साल की बेटी भानु केवट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी डेंटिस्ट कई दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा, मगर आखिरकार पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसका कहना है कि युवती डॉक्टर पर शादी का दबाव बना रही थी, इससे छुटकारा पाने के लिए उसने असिस्टेंट की हत्या कर दी। रूस में विपक्षी नेता अलेक्सी नेवलनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शनिवार को राजधानी मॉस्को की एक अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी जेल की सजा के खिलाफ अपील की थी। जर्मनी से लौटने के बाद से ही अलेक्सी नेवलनी को हिरासत में ले लिया गया था और इसी महीने की शुरुआत में उन्हें निचली अदालत ने 2 साल 8 महीने की सजा सुनाई थी। उन पर पिछले आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद नीली पेरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। नेवलनी को हिरासत में लिए जाने के बाद से ही देश भर में लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से नेवलनी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया। नेवलनी और उनके समर्थक उन पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित कहकर खारिज करते रहे हैं। उनका दावा है कि रूस की सरकार उन्हें जेल में डाले रखना चाहती है क्योंकि वो घोटालों और भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश करते हैं। अमेरिका में सरकार बदलने के बाद मध्य पूर्व में काफी हलचल देखी जा रही है, खासकर अमेरिका और ईरान के संबंधों में तेजी से बदलाव आता हुआ दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते को फिर से बहाल करना चाहते हैं, वहीं ईरान भी अमेरिका से अपने संबंधों को ठीक करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। ईरान ने परमाणु हथियारों की निगरानी करने वाली संस्था IAEA को अपने परमाणु संयंत्रों की 3 महीने के लिए निगरानी की अनुमति दे दी है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु संयंत्रों की निगरानी की मांग कर रहा था। हालांकि ईरान की संसद ने एक कानून भी पारित हुआ कि जिसमें कहा गया कि अमेरिका 2015 के परमाणु करार की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो ईरान के परमाणु संयंत्रों में संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं की पहुंच को सीमित कर दिया जाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ ने भी कहा कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौतों को बहाल करने के लिए बातचीत तब शुरू होगी जब दूसरे पक्ष भी अपने वायदों को लागू करना शुरू कर देंगे। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।